और चली भी गई कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं जब भी सजदा। Hi guys, welcome or welcome back to my channel Style with Reema और मैं हूँ रीमा। So guys, आज का मेकअप लुक होने वाला है ग्लैम हॉलीडे मेकअप लुक। So yeah guys, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है हॉलीडे मेकअप लुक, तो ये मैंने किसी यूट्यूबर का ही देखा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जैसे स्टेप्स किए थे या जो भी, मैंने वही फॉलो किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये लुक मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा टर्न आउट होगा, बट ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी से शेयर करूं कि मैंने कैसे ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। गाइस, आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। ये बहुत अच्छा पेंसिल है, मैं मैक्सिमम वीडियोस में अपने यूज़ कर चुकी हूँ उसको, और ये आईब्रो पेंसिल मेरी मोस्टली ये ख़त्म ही होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर फिल नहीं हो रही है, बट मैं इसमें वर्क कर लूँगी। अच्छा, इस आईब्रो पेंसिल की ये बहुत अच्छी बात है कि इसके पीछे स्पूली मिलती है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे से ब्रश करके और देन फिल कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये इनसाइड का कलर करेक्टर वाला पैलेट ले रही हूँ, व्हील पैलेट, और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पिगमेंटेड है। मैं पहले ये वाला शेड लेकर के, देखिए मेरा ऑलमोस्ट ये वाला शेड ख़त्म है क्योंकि ये मेरा खुद का शेड है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एजेस को क्लीन करते हुए उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि मैं कंसीलर को कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली है। इस पूरे मेकअप लुक में स्टार जो है वो यही लिपस्टिक है। मैं इस लिपस्टिक को कैसे अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ पे, आप देख सकते हो। मैं इसी से आई बेस, मतलब आई के लिए जो स्मोकीनेस मुझे चाहिए या जो कलर चाहिए मुझे, इसी लिपस्टिक से मैं लूँगी। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से अप्लाई, ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और बहुत अच्छा कलर इसने लिया था। और ये देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही है, पसंद आई, कितना सुंदर कलर दिया। मैं ये लिपस्टिक मेरी एक साल पुरानी है, मैं बहुत यूज़ भी किया करती थी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। अभी कुछ टाइम बाद मैंने इसे यूज़ किया है और मतलब इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें थोड़े से ना ग्लिटर पार्टिकल्स हैं तो उससे और अच्छा लुक आ रहा था। मैंने इस वाले आई शेडो पैलेट से ये ब्राउनिश शेड लेकर के अपने क्रीज एरिया को डिफ़ाइन किया है, थोड़ा ब्राउनिश लुक देने की कोशिश की है। और आप देखिएगा ये जो आई मेकअप होगा बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर आएगा। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, तो मुझे ये लुक पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन लेकर के अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा उसको डार्कन अप करूँगी ताकि आई का जो कट है वो अच्छा लगे और समझ में आए, फ्लैट सी आई ना लगे। इसलिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ, बस मुझे आउटर वी पे अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ब्लैक कलर लेकर के आउटर वी को और थोड़ा डिफाइन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले मैं आई शेडो को प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं ये SFR का पैलेट लेकर के इसमें से ये पिंक शेड लेकर के अपने पूरे लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी, जहाँ मुझे पिंक कलर मैंने अप्लाई किया था, तो 1/3 से आगे तक मैं अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो वो पिंक कलर जो है, मुझे प्रॉपर पिंक चाहिए, वो थोड़ा फेड हो गया है उसके लिए। उसके बाद मैंने आज कोई काजल या कोई लाइनर नहीं अप्लाई किया है, मैंने सीधे मस्करा अप्लाई किया। मस्करा के लिए मैंने मेबेलिन का मस्करा यूज़ किया है, आप देख सकते हो, और ये बहुत अच्छा मस्करा है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेबेलिन के सारे मस्करा अच्छे हैं, तो आप कोई भी मस्करा ले सकते हो आँख बंद करके। अगर आपको अफोर्डेबल में मिल रहा है, वो येलो वाला अफोर्डेबल में मिल जाता है, तो आप चाहो तो वो ले सकते हो या ये ले सकते हो। आप कोई भी मेबेलिन का जो मस्करा है आप ले सकते हो, आँख बंद करके ले लो यार, बेस्ट मस्करा है। उसके बाद मैंने फेस के लिए पहले अप्लाई किया है लूमी
क्रीम, ये लैक्मे की लूमी क्रीम, ये भी बहुत अच्छी मॉइस्चराइज भी करती है और साथ ही आपको एक ग्लो इफेक्ट देती है। तो ये बहुत अच्छी, एक आप बोल सकते हो कि ये इल्यूमिनेटर है, बहुत अच्छा। सो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है, ये ठीक ठाक प्राइमर है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लर आउट पूरी तरीके से नहीं करता है आपके पोर्स को, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बट है तो अब यूज़ करना ही है, उसको फेंकना तो है नहीं। सो मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर करेक्ट किया है ये ऑरेंज शेड लेकर के, अपने अंडर आइज़ पे और अपने माउथ के अराउंड जहाँ डार्कनेस है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसे 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, अच्छे से सब कुछ सेट हो जाएगा तभी मैं कुछ और अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसी लिक्विड वाली लिपस्टिक को लेकर के एज अ ब्लश, लिक्विड ब्लश अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही अच्छा शेड लग रहा था, मतलब अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, इस शेड का नाम तो मुझे याद नहीं है, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। आप ज़रूर यूज़ करिएगा ये शेड, बहुत अच्छा शेड है। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से देख सकते हो आपके डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद से मैं इस वाले पैलेट से में से अपना शेड ले करके और एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। मैंने आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, मैंने बहुत ही कम अमाउंट में मेकअप यूज़ करने की कोशिश की है एज अ बेस। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई किया फाउंडेशन, कुछ हैवी फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है और मैंने बस यही कंसीलर अप्लाई किया है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे जहाँ जहाँ कंसीलर की नीड थी, कवरेज की नीड थी, मैंने वहाँ वहाँ कंसीलर को अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हो कि मैं कैसे कितने अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है, तो देखिए मैंने बिल्कुल भी अपने ब्रश के ऊपर नहीं अप्लाई किया है, कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो भी रहा है। ये कंसीलर पैलेट बहुत अच्छा है, इसमें आपको कलर करेक्टर भी मिल रहा है और आपके शेड का कंसीलर भी मिल रहा है, तो मुझे ये पैलेट बहुत पसंद है और अफोर्डेबल भी है, आप ले सकते हो। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ NYB की कॉन्टोरिंग स्टिक ली है, ये अच्छी कॉन्टोर स्टिक है, मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है बट बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं, मेरे पास यही एक कॉन्टोर स्टिक है और मैं इसे ही हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं अच्छे से यहाँ सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी हार्श ना लगे और सब बेस मेरा बहुत अच्छा लगे। फिर मैं इसी वाले पैलेट में से यही क्रीज़ वाला शेड लेकर के अच्छे से अपने यहाँ पाउडर कॉन्टोर करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। मेरा फेस थोड़ा छोटा है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर ही करती हूँ। उसके बाद आती है बारी बेस को लॉक करने की, तो बेस को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है लैक्मे का लूज़ पाउडर, ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर, एक तो अफोर्डेबल है और आपको मतलब इतने अच्छे प्राइस पे मिल रहा है और इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी कि आपका साल भर तो चलने ही वाला है। सो गाइस मैं, आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद 10-15 सेकंड के बाद मैं अच्छे से सब कुछ डस्ट ऑफ कर दूँगी और बेकिंग यहाँ कम्प्लीट हो जाएगी और बेस लगभग मेरा यहाँ कम्प्लीट है। उसके बाद SFR के पैलेट में से वही पिंक शेड जो मैंने लिड पे अप्लाई किया था लेकर के मैं अच्छे से ब्लश की तरह अप्लाई कर लूँगी, अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो। और उसी पैलेट में से एक शैम्पेन सा कलर लेकर के मैं अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। अच्छा, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैलेट्स है नहीं, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आई शेड एज अ मतलब आई शेडो भी एज अ ब्लश और एज अ हाईलाइटर आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसीलिए मैं ऐसे आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद वो पिंक शेड लेकर के मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी उसी शैम्पेन शेड को लेकर के। इनर कॉर्नर पे आई शेडो अप्लाई करने से आईज़ थोड़ी बिग लगती हैं, खुली खुली सी लगती हैं, इसलिए हम अप्लाई करते हैं इसे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड की न्यूड पेंसिल यहाँ अप्लाई की अपने वाटर लाइन पे। उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी मस्करा अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैंने वही स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई की है अपने लिप पे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस मेकअप लुक का यही स्टार मेकअप है, तो बस उसके बाद मैंने यहाँ इनसाइड का ग्लॉस अप्लाई किया है। विंटर मेकअप लुक चल रहा है तो आई थिंक कि ग्लॉस होना ही होना चाहिए।
सो गाइज ये है मेरा फिनिश एंड फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।